नए दिन की नई शुरुआत के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को जी भर के आशीष। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत हो चुकी है, टाइम हो गया है 9 बजे, दिन है शनिवार। आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, और वैसे तो बच्चों के डेयरी की भी आज छुट्टी होती है, वर्क फ्रॉम होम होता है, लेकिन आज उनको कोई उनके ऑफिस का प्रोग्राम है तो उनको उधर जाना है, तो चलिए दोस्तों ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं तुलसी माता के दर्शनों के साथ। जय हो तुलसी माता। रोज की तरह ही मैं अपने दिन की शुरुआत नाश्ते के साथ करती हूँ। नाश्ते भी बन रहे हैं आज बच्चों की फेवरेट मैगी। छुट्टी हो और मैगी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैगी बन रही है बेटा, चलो। तो इसके लिए मैं फटाफट से तैयारी करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको जल्दी है तो आप प्याज और टमाटर कट नहीं करने से पहले आप सबसे पहले रख लीजिए कढ़ाई, और कढ़ाई में सबसे पहले रख लीजिए थोड़ा सा तेल। ये गया, बस 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 बस, और वो भी अच्छे से काट। टमाटो रोज की तरह कर रही थी, मेरी पूंछ बन के यहाँ पर खड़ा है। पापा की पूछो, मम्मा की, मम्मा की पूंछ मम्मा के साथ हमेशा की तरह खड़ी होती हुई। तो यहाँ पर मेरा टमाटर भी गल चुके हैं, वही होंगे कबर्ड में। तो अब बनने ही वाली है गर्मा गर्म मैगी। सबसे पहले बेडशीट बिछाओ, रुको हार्दिक, इधर से भी ठीक करो। अरे यार, उस तरफ से करो ना, पहले उस कॉर्नर, हाँ उस पहले उस कॉर्नर से इस कॉर्नर से तक इधर से बिछाओ, अच्छे से बिछाओ। मैं आती हूँ अभी। ठीक है, उच्चो मैंने इन दोनों को कहा था क्लीनिंग करो, और इन्होंने सारी बेड सीट ही फाड़ दी। गलत किसने करा, सच बताओ। हार्दिक ने, झूठ नहीं बोलो दोनों जने। हार्दिक ने, हार्दिक ने, हार्दिक ने। अभी ठीक है, हार्दिक ने। अभी मैं डैड को कॉल करती हूँ कि इन्होंने सारी बेड सीट फाड़ दी। क्या बात, आज इतनी जल्दी कौन उनको ऐसा चाहिए था, उनको नींद सुना रही थी। मैं कहती सो सो, अरे फोर है यार, टू नारियल पानी और सेवन स्टिक है। टू नारियल पानी कहाँ है, टू नारियल पानी
पहले तो इनको वॉश करेंगे फिर दो। सुनो पहले नाइए पाजी सबकी क्योंकि गर्मी तो मना करता है। उधर उधर गया नाइए पाजी कितने बार सब एक साथ एक्टर टू करते मामा आपने तो हम सारी पाजी की ने है ना मामा। नारियल पानी के बेनिफिट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं शॉर्ट वीडियो में, आप उधर से देख लीजिए दोस्तों। ये लोगों ने भी नहा ऑफिस से आके नहा धो लिया है क्योंकि आज इनके ऑफिस में कह रहे थे कहीं गए थे तो कुत्ते पकड़ने का प्रोग्राम था। कुत्ते तो थे ना, पता नहीं मुझसे ऐसी बोला कि कुत्ते पकड़े और कुत्ते पकड़ के नहलाए। अब पता नहीं क्या प्रोग्राम होगा, बाकी इनको ही पता होगा, इनसे ही पूछते हैं। चलिए तो आप बताइए सर क्या प्रोग्राम था आपके ऑफिस में वैसे कुत्तों कुत्तों पकड़ के नहलाने का? हाँ हमने बहुत सारे कुत्ते पकड़े। हाँ और क्लीन किया उनको नहाया। हाँ कैसे ऐसी रोड से पकड़ के? नहीं वो अडॉप्टेड रहते हैं रोड से पकड़े नहीं रहते। अच्छा सारा स्टाफ गया था। बस ही था सारे, कोई कुत्ता छूटा तो नहीं बिना नहाए? सब ने नहाया। ठीक तो क्या वो ऐसे कभी कभी जब प्रोग्राम चलते होंगे तभी नहाते होंगे कि नहाते रहते होंगे? नहाते होंगे ऐसे थोड़ा होता है, वो 60-70 कुत्ते होते हैं। अवेयरनेस के लिए था खाली प्रोग्राम। अच्छा खाली स्ट्रीट डॉग्स को नहीं? कल आज सुबह स्टाफ के लोग हंस रहे थे ना कि चलो अपने कुत्ते को नहलाने चलो, तो मैं सोच रही हूँ कि इसीलिए पूछ रही हूँ। चलो ठीक है। तो दोस्तों टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं, इस समय हो रहा है चाय का टाइम। जब मैं अकेले रहती हूँ तब तो मैं चाय बनाती नहीं हूँ, अकेले पीने का मन भी नहीं करता है। तो आज ये ऑफिस से जल्दी आ गए थे, 3 बजे आ गए थे, तो इस समय अब मैं चाय बना रही हूँ। कोई साथ में होता है चाय पीने वाला तो उसी बहाने खुद भी पी जाती है, वरना अकेले तो पीने का मन ही नहीं करता बिल्कुल नहीं। चाय पर आ गया जोरों का उबाल। बच्चों को कैसी नींद आई है, इतना थक जाते हैं भागम भाग करके। लीजिए सच्चा नवीन को देखा दो, तो दोस्तों इसी चाय नाश्ते के साथ मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।